नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रजिता उपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज अपने लर्नर्स के बीच में हूँ ग्रुप डायनेमिक्स टॉपिक के साथ। आज हम ग्रुप डायनेमिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्रुप, अ ग्रुप इज डिफाइंड एज अ टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब हम समझेंगे। इसमें देखो कुछ वर्ड्स आए हैं जिसको कि हमें समझना है। वो क्या क्या है कि एक ग्रुप जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है, जो कि इंटरेक्ट करता है, आपस में मिलता है, और इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे से क्या है, अन्योन श्राइत है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो ये तो हो गया समूह की परिभाषा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। जो व्यक्ति है वो ग्रुप में क्यों रहना पसंद करता है, उसके क्या कारण है। तो सबसे पहले है सिक्योरिटी, ठीक, दूसरा है स्टेटस, तीसरा है सेल्फ एस्टीम, नेक्स्ट एफिलिएशन, नेक्स्ट पावर एंड गोल अचीवमेंट। जैसा कि आपको शब्द के हिसाब से दिख रहा है, सिक्योरिटी में तो सुरक्षा, जब कोई व्यक्ति किसी समूह के अंतर्गत सम्मिलित होता है तो उस ग्रुप के अंतर्गत वो सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है, और उसको मतलब स्टैंडिंग अलोन, ये जो इनसिक्योरिटी होती है, ये इन सब चीज़ों से अपने आप क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। दूसरा स्टेटस, कहीं ना कहीं आपका एक पहचान बन जाता है, आप जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं आपका वो एक पहचान बन जाता है, तो वो एक आपका स्टेटस सिंबल के रूप में भी क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर्स का ग्रुप हो गया, है ना, जैसे अगर जैसे अकेले एक श्रमिक है उसके साथ सोशल हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब श्रमिकों का समूह, तो वो एक उनका एक क्या होगा, स्टेटस हो गया कि अगर सारे श्रमिक हड़ताल पर चले गए तो क्या होगा, पूंजीपति के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ग्रुप का देखो कैसे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम, इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष में इंडिविजुअली उसका क्या होता है, आत्म जो सम्मान होता है ना, उसका जो सेल्फ वर्थ होता है, उसकी रक्षा होती है, वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट है एफिलिएशन के अंतर्गत कि जब किसी से आप संबद्ध होते हैं, है ना, तो आप एक रेगुलर उसके साथ जो सोशल जो ग्रुप की नीड्स होती है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, आप उस नीड से होकर भी गुजर रहे हैं, एक आपका कहीं ना कहीं रेगुलर तारतम्यता बना हुआ है, इंटरेक्शन मतलब कि वार्तालाप का, अंतःक्रिया का एक रेगुलर क्या है, आप उनसे कनेक्ट हैं। नेक्स्ट है पावर, जब हम किसी ग्रुप के अंतर्गत होते हैं तो हमारे साथ किसी भी तरह का अगर ऐसा चीज़ हो रहा है कि जो सही नहीं है, तो हमको एक पावर टाइप का महसूस होता है, क्योंकि ग्रुप एक्शन इनेबल इन अचीविंग, है ना, कि हर एक चीज़ को क्या करते हैं, अचीव करने का, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कभी महिला उत्पीड़न हुआ तो महिलाओं का पूरा ग्रुप अगर उस पर खड़ा हो गया, है ना, वो पूरा समाज, अगर किसी, आपने अक्सर सुना भी होगा कि कभी किसी डॉक्टर को हाथापाई से मार दिया गया, सारे डॉक्टर क्या होते हैं, एक ग्रुप में खड़े हो गए, पावर, तो ग्रुप जैसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाता है तो क्या हो गया, पावर फुल स्थिति में आ गया, उसकी बातें सुनी जाएंगी, है ना, रैदर देन कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति खड़ा है। लास्ट है गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि जब पूरा जो ग्रुप है वो एक चीज़ पे अगर फोकस होकर काम करेगा तो निश्चित रूप से वो जो गोल है ना, उसको वो क्या करेगा, अचीव कर लेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ग्रुप डायनेमिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रुप और डायनेमिक। ग्रुप को अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा। डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स एक फोर्स की तरह काम करता है। अब फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये ग्रीक वर्ड है, और फोर्स करते हैं तो मतलब कि बल, हम किसी ग्रुप को अगर सही जगह पे क्या करें, दिशा दे, निर्देश दे, सही जगह पे उसको पुशअप करें तो वो किस तरह से काम करेगा, ये हमको उसमें देखने को मिलेगा। अब है मेथड्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक। मेथड्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, कि हाउ टू पार्टिसिपेट, है ना, जो ग्रुप है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है, कैसे उनका कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कि जो सेंडर बोल रहा है रिसीवर एज इट इज वैसे ही समझे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रुप में काफ़ी लोग हैं तो सबका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, कि व्यक्ति वही समझे जो उसको व्यक्ति समझाना चाहता है, मतलब सेंडर और रिसीवर का जो मैसेज है वो इक्वल एकदम एक जैसा होना चाहिए, कि सेंडर ने जो मैसेज दिया रिसीवर वही समझा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पूरे ग्रुप में ईच एंड जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर्स का एक ही टारगेट है, गोल को क्या करना, अचीव करना। लीडरशिप, उस ग्रुप में
ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक रोटेशन की तरह भी कर सकते हैं, है ना। या उसमें जैसे सोशल ग्रुप वर्कर क्या करता है, वो नोटिस करता है कि किसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, वो उसको क्या करता है थोड़ा सा सपोर्ट करता है और ग्रुप को किस तरह से चलाना है ताकि ग्रुप में किसी तरह का ये ना हो, मतलब द्वंद ना हो। अब हम आप देख रहे होंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप हेडिंग में देख रहे होंगे ग्रुप स्ट्रक्चर, कि ग्रुप स्ट्रक्चर मतलब ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। अगला ग्रुप कोहेसिवनेस, है ना, कि कैसे उसमें संसंजकता की बात हो रही है। नेक्स्ट है ग्रुप डिसीजन और लास्ट है ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। जब हम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, तो रोल, रोल इसमें सबसे पहला हेडिंग है, है ना। तो रोल के अंतर्गत ये है कि जो सोशल वर्कर होता है वो कहीं ना कहीं नोटिस करता है कि किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, है ना। उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सोशल वर्कर उसको वैसा भूमिका क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट है ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप का जैसे कोई भी ग्रुप है तो उसका अपना एक नियमावली होता है। ठीक, उस नियमावली के अंतर्गत ही सभी व्यक्ति जो ग्रुप से संबंधित सदस्य हैं वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप वैल्यूज। ग्रुप वैल्यूज के अंतर्गत कि जो ग्रुप बना हुआ है, जो उसकी नियमावली है, मतलब वो एक निश्चित मूल्य, जैसे समाज कार्य में, समाज कार्य के जो भी विद्यार्थी हैं पढ़े होंगे सोशल वर्क का वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं समाज कार्य आप ऐसे नहीं करते हैं, आप उसके वैल्यू, उसके दर्शन, उसके सिद्धांत के अनुरूप ही आप काम कर सकते हैं, तब आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर कहे जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर सोशल ग्रुप वर्क, ग्रुप का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, काम करेगा और अन्य जो सदस्य हैं उनको क्या करेगा, गाइड। जैसे प्रिंसिपल भी है, गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, है ना। तो समूह के अंतर्गत जो अंतःक्रिया है वो एक दिशा निर्देशित रूप से हो, सही रूप से जाए, तो वो सोशल वर्कर का काम होता है, ग्रुप जो ग्रुप वर्कर है। नेक्स्ट है ग्रुप स्टेटस। ग्रुप स्टेटस का मतलब कि उस ग्रुप के अंदर थोड़ा वी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हम इस ग्रुप के सदस्य हैं, हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए, कैसे कंप्लीट होगा, ये सब ये मतलब ध्येय सबके अंतर्गत निहित होनी चाहिए। ठीक, लास्ट है कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी कहा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि जैसा सेंडर मैसेज देना चाह रहा है एज इट इज वैसा ही रिसीवर उसमें कम्युनिकेशन को क्या करे, सुने, समझे। ठीक, अब है ग्रुप कोहेसिवनेस। उसके अंतर्गत होता है संसंजकता, मतलब कि जब एक साथ मिलकर जो काम हो रहा है। ठीक, तो जब एक साथ मिलकर काम हो रहा है तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रुप गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, जो प्रिंसिपल भी एक सोशल ग्रुप वर्क का, कि अगर वो अंतःक्रिया को निर्धारित और एक दिशा रहित दिशा के साथ कर दे, है ना, दिशा के सही दिशा के साथ कर दे, तो जो चीज़ें निकल के आएंगी वो क्या होंगी, बहुत प्रोडक्टिविटी होंगी। लेकिन अगर वो दिशा रहित हो जाए, अगर ग्रुप के सदस्यों में आपस में मनमुटाव हो जाए, द्वंद्व हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, है ना, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वहीं कहीं ना कहीं बिखरेंगी और जो भी चीज़ें, जो उसका गोल है, वो कहीं ना कहीं अनप्रोडक्टिव वे में सामने आएगा। नेक्स्ट है ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन में डिफाइन द प्रॉब्लम, हम कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या, किस ध्येय की वजह से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ग्रुप के सभी सदस्य, और इस्टेब्लिश द क्राइटेरिया, हम एक क्राइटेरिया निश्चित करते हैं, मानदंड निश्चित करते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर नेक्स्ट है इसका जो स्टेप है, कंसिडर ऑल अल्टरनेटिव, हर विकल्पों को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या विकल्प इसमें हो सकता है। ठीक, और लास्ट में आइडेंटिफाई द बेस्ट अल्टरनेटिव। हम जैसे कि जैसे कोविड वाला हो गया, आप उसमें समझिए कि कोई समूह है, अगर तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या, कि जल्दी से जल्दी, जैसे मानो किसी स्कूल में ये बच्चे फंस गए, चाहे इस तरह का कोई डिजास्टर हुआ, तो वहाँ पर हम उसको कैसे, सबसे पहला देखते हैं मेरा प्रायोरिटी क्या है, तो हम पहले प्रायोरिटी को नोटिस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हम इन बच्चों को किस तरह से पहले सुरक्षित जगह पर ले जाएँ। ठीक, अगर कोविड के भी आप में समझना चाहते हैं तो जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंस, ये क्या फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, है ना। तो क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं और उस अल्टरनेटिव्स में कौन सा बेस्ट है, हमको ये अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट है डेवलप इम्प्लीमेंट प्लान ऑफ एक्शन, एंड लास्ट है इवेल्युएट मॉनिटर एंड सॉल्यूशन। मतलब हम कहीं ना कहीं जब कोई प्लान डेवलप करते हैं तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्लस माइनस है, उसको जब इवेल्युएट करते हैं तो उसके प्लस माइनस को देखते हैं, जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम तब हम देखते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कोविड के समय में क्या हो गया था कि बहुत लोग पैदल, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि मन में अंतर्द्वंद हो गया, लोग समझ नहीं पाए, लोग सड़कों पर पैदल ही निकल गए, उससे वो चीज़ और स्प्रेड होने का खतरा बढ़ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं
हम जब ग्रुप इसकी बात कर रहे हैं, अगर ग्रुप के भी आप में बात कर रहे हैं, तो हमको किस तरह से अपने अचीव गोल को अचीव करना है, इसको हमको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। एंड लास्ट है ग्रुप डेवलपमेंट, जिसमें कि 5 स्टेज होते हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग। फॉर्मिंग के अंतर्गत ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जहाँ अभी ग्रुप किसी निमालिस नहीं बनता है, बस अभी ग्रुप इनिशिएटिव में है। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग में कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल होता है, ठीक, कि कौन क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा अंतर्द्वंद भी होता है। नेक्स्ट है नॉर्मिंग, नॉर्मिंग के अंतर्गत एक नियमावली के तहत ग्रुप को क्या किया जाता है, दिशा निर्देशित किया जाता है, यहाँ पे आपको रोल आपको दिया जाएगा कि आपका ये रोल है, आपका ये फंक्शन है, ठीक। उसके बाद जब नॉर्मिंग के अंतर्गत कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को थोड़ा वी फीलिंग से देखने लगते हैं, ठीक है, उस ग्रुप को अपना समझने लगते हैं, और परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू जैसे देयर नीड्स की क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। और लास्ट एजोरिंग, उसको क्या करते हैं, अपनी जो सफलता है उसको क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, जो ग्रुप स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें किस तरह से संसंगता आती है, कैसे ग्रुप का निर्णय लिया जाता है, और ग्रुप का जो परफॉर्मेंस करने का तरीका है वो कैसे होता है, ग्रुप डेवलपमेंट कैसे होता है। इस तरह से हमने ग्रुप डायनेमिक के एक एक पार्ट को समझा। थैंक यू।